देश की ऐसी ऐसी प्रतिभाएं जो आज सुषुप्तावस्था में है, ना तो सरकारों का उस पर ध्यान है और ना ही पत्र प्रतिनिधियों का। ऐसे लोग जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी जाकर के राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया है, ऐसे हम एक बहादुर सैनिक के साथ हैं जिनका नाम है श्री सत्यनारायण यादव जी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस रामनगर से अपनी सेवा शुरू की है और तैराकी में श्रीलंका में जाकर के इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। यह मेडल 1, 2, 4 नहीं है, देखिए यह पता नहीं कितने गिर गए, कितने खो गए, बच्चे खेल डाले और यह आप देखिए मेडल देख रहे हैं। इस तरह के 42 मेडल हैं राष्ट्रीय स्तर के और लगातार कई वर्षों तक इन्होंने तैराकी में अपना ही रिकॉर्ड अपने तोड़ा, लगभग 7 वर्षों तक आपने ऐसा किया। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यह रुझान आपको कब पैदा हुई। मूल रूप से रहने वाले आप चंदौली जनपद के हैं लेकिन अब गाजीपुर के निवासी हो गए हैं। बरहपुर में हम हैं, गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाने के पास बरहपुर गांव है जहां रह करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और यहीं के निवासी भी हो गए। श्री सत्यनारायण यादव जी इस समय इनकी उम्र लगभग 76 साल। मुस्कुराइए, थोड़ा सा, बहुत बहादुर हैं आप और इतनी अच्छी मूछें हैं और बहादुरी से गंगा को आप एक बार जाते थे उस पार, फिर आते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे, इस प्रकार गंगा को दो दो बार तैर करके पार कर जाते थे। सर, सेवा आपकी कब से शुरू हुई? तैराकी की नहीं, आप सेवा में कब, पीएससी में? पीएससी में 1961 20 जुलाई को भर्ती, 20 जुलाई 1961 और 43 में आपका जन्म हुआ, 1-1-43। हाँ, 42 का आंदोलन चरम पर था तो आप फिर पैदा हुए और आने के बाद आपने देश को आज़ाद करा दिया मतलब जैसे तो आप भर्ती हो गए, भर्ती हो गए, फिर आप सेना के साथ मिलकर के भी युद्ध किए। 1900 ट्रेनिंग के बाद 1962 में आसाम जी हमारी कंपनी चली गई पूरी जी, 62 से लेके 66 तक, 1962 से लेके 66 तक पीएसी असम में रह करके सेना के साथ देश की रक्षा के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ अपना योगदान दिया। तत्पश्चात फिर आप आ गए अपनी कंपनी में मुरादाबाद 23 बटालियन मुरादाबाद। तो जब तैराकी आपकी शुरू हुई, जब नाम मांगा गया, उस समय आपकी उम्र लगभग 27-28 साल हो गई थी, 28 साल। सबसे पहले आपने बताया कि तैराकी में हमें इसलिए नहीं लिया गया, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी कि हम तो 19-20 साल का लेते हैं जवानों को जी। तो सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश स्तर पर जो प्रतियोगिता हुई उत्तर प्रदेश पीएससी और पुलिस की, उसमें सबसे पहले 1970 में जी पुलिस विभाग और जिला पुलिस का जो रेंज होता है उसमें जी फर्स्ट आए थे। अच्छा, उसी बाद 70 में सिलेक्शन हुआ हमारा जी इंडिया पुलिस के लिए जी। एक महीने प्रैक्टिस के बाद इंडिया पुलिस बंगलौर में हुआ। अच्छा, वहाँ पर मतलब कि 100 और 200 दोनों में जी पिछला रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया। अच्छा, जो पिछले वाला रिकॉर्ड था सबको आपने तोड़ दिया जी। उसके बाद फिर उसके बाद सिलसिला जारी रहा रिकॉर्ड तोड़ने का। 1970 से 77 तक साल लगातार इंडिया पुलिस का रिकॉर्ड बनाते रहे और बिगाड़ते रहे। अच्छा, मतलब अपना रिकॉर्ड अपने ही तोड़ते रहे और अपने ही तोड़ते। क्या बात है, पहला रिकॉर्ड इन्होंने सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया और तत्पश्चात कई वर्षों तक अपना रिकॉर्ड ही तोड़े आप लगातार तोड़ते गए। श्रीलंका में कब जाना हुआ? 1977 में। 1977 में श्रीलंका जा करके, ये आप देख सकते हैं श्रीलंका के मेडल हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, चार देशों की तैराकी का था। तो वहाँ किसी नदी में तैराकी हुई थी कि स्विमिंग पूल था 50 मीटर का जी, उसमें हुआ था। तो उसमें 3 आइटम किए थे, तीनों आइटम में फर्स्ट आए थे या तीनों श्रीलंका के मेडल हैं आप देख रहे हैं। यह मेडल ऑल इंडिया स्तर पर जब आपने 1973 में 5 आइटम किए थे जी, उसमें बेस्ट उमर का मतलब तगमा मिला था जी। जी जी जी, इसको संभाल के रखना है, देखिए टूट टूट करके गिर रहा है और एक मेडल तो मिला नहीं हम लोगों को जीवन में और यह मेडल सब
कितने मेडल हैं आप गिन सकते हैं, 42 मेडल तो ऐसे हैं और पता नहीं कितने बच्चे खेल करके गायब कर दिए। अब सवाल उठता है कि ऐसे बहादुर सैनिक जिसने देश का नाम पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश देश को हराया, श्रीलंका को हराया और भारत के सबसे अच्छे खिलाड़ी आप थे ही तैराकी में, उसके तरफ आज ना तो सरकार का ध्यान है और ना ही पत्र प्रतिनिधियों ने कभी इस पर ध्यान दिया। मेरे तक बात पहुंची तो मैं आकर के इनका हौसला बढ़ाया और यद्यपि परमात्मा ने अच्छा किया इनके तीनों बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा में हैं और रोज़ टहलना होता है। कितना टहलते हैं सर? 1 किलोमीटर। अच्छा, अभी अब ज़्यादा नहीं टहलते हैं, कुछ ज़्यादा तो टहलते हैं, कुछ वर्जिश वर्जिश भी कर लेते हैं। और ऐसे में मुझे इस मामले में यह कहना था कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तमाम पुरस्कार दिए, अभी तो यह हम भूल ही रहे थे। देखिए बड़ा वजन है साहब, हम यहीं से दिखा देते हैं। यह लक्ष्मण पुरस्कार, लक्ष्मण पुरस्कार कब मिला था आपको? नीचे से 1978 में यह लक्ष्मण पुरस्कार आपको मिला था, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था जी। इस तरह के बहादुर खिलाड़ी आज उपेक्षित और गुमनाम जीवन जी रहे हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी साहब को, प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल को, यहाँ के जो सांसद हैं वर्तमान में दो दो केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहे हैं, श्री मनोज सिन्हा साहब को, यहाँ की विधायक हैं मैडम डॉक्टर संगीता बलवंत, उसको भी पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, क्या घूम रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के साथ भी अगर एक बैठक नहीं हुई, ऐसे लोगों को एक माला पहना करके आपने सम्मानित नहीं किया, सार्वजनिक रूप से आपने इनका महिमा मंडन नहीं किया, लोगों को बताया नहीं, फिर मतलब क्या है? मैं पूरा मामला संदर्भित करता हूं और पूर्व की सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता हूं। रेवड़ी के भाव बांटा यश भारती, चाहे मुलायम सिंह जी हों चाहे उनके सुपुत्र श्री अखिलेश यादव हैं, रेवड़ी के भाव बांट दिया जिसको चाहा। मैं किसी का नाम मैंने जांच वाच भी करवाया, जांच में भी लीपापोती हुई, ऐसे लोगों को जिन लोगों ने अश्लील गीतें गाया था, समाज में उनका कोई भी यशस्वी योगदान नहीं है, समाज में हेय दृष्टि से देखे जाते हैं, स्वस्थ समाज में कहीं स्थापित हो ही नहीं सकते, ऐसे लोगों को भी रेवड़ी के भाव यश भारती बांटा। लेकिन इनका आवेदन भी गया, पता नहीं आवेदन कहाँ गया और कहाँ फेंक दिया गया। 14-15 से ही आप सेवानिवृत्त कब हुए थे सर? 2000 में सेवानिवृत्त हुए। और देख लीजिए, ये आप एक बार फिर देख लीजिए, गिनती नहीं हो पाएगा। देखिए यह कितना बड़ा सम्मान है इस सैनिक का, और तमाम प्रमाण पत्र भी इस फाइल में हैं, सम्मान के साथ जो प्रमाण पत्र मिले हैं वो अभी इस फाइल में हैं। ऐसे में मैं पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी से, अभी वाराणसी में भी हमने हिंद केसरी लोगों का, रेसलिंग के क्षेत्र में पहलवान हिंद केसरी लालजी यादव का, हिंद केसरी झारखंडी राय का, ऐसे लोगों का मैंने किया था। और उसी कड़ी में एक ऐसे भी भारत के वीर सपूत सैनिक का मैं यह एहसास करा रहा हूँ, इनकी प्रासंगिकता और उपादेयता जिस प्रकार आज नज़रअंदाज हो रही है, यह स्वस्थ समाज के लिए और भारत जैसे देश के लिए यह कदापि अच्छा नहीं है। यह जनप्रतिनिधियों के लिए भी सवाल खड़ा करने की बात है। पत्र प्रतिनिधि लगातार 5 बच्चों की माँ प्रेमी के संग थुर, ये 5 कालम का समाचार छपेगा, लेकिन ऐसे सैनिक का एक बार भी, यह भी एक जगह है जहाँ पत्र प्रतिनिधि, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसके लोग रहते हैं, पता नहीं कर क्या रहे हैं लोग। और जनप्रतिनिधियों के गुड सेंस की कामना करता हूँ। मैं आशा करूँगा कि श्री मनोज सिन्हा साहब इस बहादुर सैनिक के घर आएंगे अथवा सम्मान सहित बुलवाएंगे। संगीता हमारी हमारी टीम की ही है, मैं उनसे भी बोलूँगा, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज विधायक हो गई हैं संगीता को भी मैं बोलूँगा, संगीता इस मामले को मुख्यमंत्री के यहाँ ले जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, ये सब तो दिन भर चलता रहता है, फीता काटना और नाली खड़ंजा ये सब तो, लेकिन ऐसे लोगों का भी, विधायक नहीं थी तो ऐसे ध्यान देती थी, माना कि आज काम बढ़ गया है तुम्हारा, लेकिन यह भी काम है जिसको करने की आवश्यकता है। मैं अपने भी लिखूँगा
पूरा मामला मैं संदर्भित करता हूँ, खेल मंत्रालय को भी लिखूँगा। आशा है इनका ज्ञान चक्षु खुलेगा और ऐसे जितने भी इनके साथ भी बैठक करके, अभी सर कह रहे थे कि स्विमिंग पूल न होने के कारण हम लोग अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, आते थे छुट्टी लेकर के गंगा में 15 दिन तैरते थे, तैर करके जाते थे रियाज करके। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे बहादुर सैनिकों को चाहे जिस फोर्स में हो उन्हें अवकाश दे करके और उनके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, जो भी उनके लिए आवश्यकताएं हों उसकी पूर्ति करके ऐसे जवान को आगे भेजना चाहिए। आशा है हमारी बातें सुनी जाएंगी और ऐसे बहादुर सैनिक श्री सत्यनारायण यादव जी का यथोचित सम्मान किया जाएगा। आप पर गर्व है, आप देश की महान विभूति हैं, आप राष्ट्रीय विशेषांक हैं, आप मीमांसा हैं और राष्ट्रीय गौरव हैं। आपका हम विनम्र भाव से सम्मान करते हैं और मैं वादा करता हूँ कि यह मामला मैं उन सभी तक पहुँचाऊँगा। धन्यवाद।